हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुम देख रहे हो कचूरा टी चैनल के उपर ईवीएस का पेपर जमात 12वीं का जाने कि 12th क्लास का ईवीएस का पेपर, ठीक है, जो कि थोड़ा 23 सितंबर को होने वाला, जाने कि कल होने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक गल क्लीयर कर देना चाहना कि इस वीडियो में दो पेपर ने बचो, किन्ने पेपर ने दो पेपर, ठीक है। दोनों में जो एक पेपर होगा 100% तुहाडे स्कूल दे विच आएगा, ठीक है। सो सारे जने एक बार वीडियो में लाइक कर दो तां जो सानू पता लग सके कौन कौन साडी वीडियो नू पूरा वाच कर रहा है, ठीक है। पेपर जो 45 मार्क्स का है अपना टोटल, पहला जो आप 20 MCQ पूछे गए, आप सारे ही पेपर दे क्वेश्चन आंसर तुम्हें करावे, ठीक है। फिर चाहे वो 5 नंबर वाले ने, फिर चाहे 3 नंबर वाले, जिन्हें भी नंबर वाले ने सारे ही करा आप, वे छोटे बहुत ही सोने तरीके, ठीक है। तो जेडे कि तुम नाल दी नाल याद भी होंगे, यानी कि 2 घंटे पेपर करने लिए समय दिता गया, ठीक है। तो जेडे बच्चे हुण तक वीडियो वेख रहे हैं तो लाइक नहीं हले तक किया, प्लीज़ लाइक कर देना। जेकर तुहाडी कोई डाउट होवे सानू कमेंट कर देना, जेकर डाउट ना होवे तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिख देना या फिर इमोजी जरूर भेज देना, ठीक है। सारे जने एक बार थैंक यू जरूर लिख देना थले जाके, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर में एक पेपर 100% आएगा। तो इस दिन मैं एक होर गल क्लीयर करना चाहना, साडा जेहड़ा कि इस वीडियो में 2 पेपर हो गए, तो जेहड़ा 3रा पेपर होगा वो अलग तो वीडियो मैं शाम को डाल दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने भी एक बार वेख लेना, वो असल में थोड़ा जहा इन्ना इंपोर्टेंट तो नहीं है, बट उनके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, ठीक है, खास करके MCQ, क्योंकि उस 25 MCQ देते हुए हैं जो 3rd पेपर होगा। सो इस वीडियो में आप 2 पेपर कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सब तो उन्होंने पहला क्या हेठा दिते विचों किहड़ा मनुख दियां मनुखां लई भोजन दा स्रोत नहीं है, ठीक है, मनुखां दे लई। सो इहदे विच जिहड़ा कि शहद दी मक्खी आपां, ठीक है, तो उस मज मच्छी जिहड़ी कि ये सब कुछ मतलब कि लोग खा लेंगे, बट घोड़ा जिहड़ा कि है वह भोजन का स्रोत नहीं है, ठीक है। घोड़ा जिहड़ा इहनू आपां जिहड़ा कि बैलगाड़ी दे तौर ते वरतदे आ। विकास का मतलब है, हाँ जी बाजार बचो, विकास का मतलब है अगे वधना, ठीक है। गैर निवाणयोग स्रोत हैं, इन्हों पानी जंगल सूरज की रोशनी, तो कोला इसका राइट आंसर आएगा गैर निवाणयोग, ठीक है। तो उस तो बाद अपने को सिंचाई दी वक् वक् किस्म हैं, जिमें कि नहरी सिंचाई, हड़ सिंचाई, ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है, स्प्रिंकलर। तो इस विच सारे ही आ जाएंगे उपरोक्त सारे, डी ऑप्शन राइट ला लेना, ठीक है। उस तो बाद DDT की है, DDT तुम्हें पता होना चाहिए, ये एक नकली कीटनाशक जिहड़ी कि दवाई है, ठीक है। उस तो बाद आप देखांगे जिहड़ा कि अपने बहुत ही छोटे किस्म वाले प्रश्न ने। सो अपना पहला जिहड़ा कि 6वां प्रश्न दे रखा है, किसी भी 2 शाकाहारी जानवरों के नाम दसने हैं, लाइक जिमें कि काओ तो गोट, ठीक है। सो काओ ना आप गां लिख देंगे पंजाबी, गां और बकरी या फिर बकरा, ठीक है, बकरी लिख देना। सो ये कि है शाकाहारी जीव ने, बकरी और गां, ठीक है। मैं उम्मीद है तुम्हें यह जो याद हो गया होगा। सो मैं तुम्हें 7वां प्रश्न हूँ करवाना, वातावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने लई स्कूलों में किहड़े क्लब बनाए गए हैं, हाँ जी प्यारे बच्चों किहड़े क्लब बनाए गए हैं, ईको क्लब ED ते कक्के नू ओड़ा ते क्लब लिख देना, ठीक है, ईको क्लब। सो ईको क्लब बनाए गए हैं, ठीक है, मैं उम्मीद है यह भी तुम्हें याद हो गया होगा ईको क्लब। उस तो बाद है अपना जो 8वां प्रश्न, GDP का पूरा नाम दसना है ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट आ जाएगा इस, ठीक है। उस तो बाद है, ठीक है, मतलब कि कुल घरेलू उत्पादन, ठीक है। सो GDP पंजाबी जे लिखना चाहते हो तो कुल घरेलू उत्पादन तुम लिख सकते हो, कुल घरेलू इकोनॉमिक्स दई है वैसे घरेलू उत्पादन, ठीक है। सारे जने एक बार चैनल में सबसक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले थोड़े पेपर जाने कि दिसंबर में शायद या फिर नवंबर में होंगे, दिसंबर प्लस थोड़े प्री बोर्ड के होंगे फरवरी के, ठीक है, प्लस थोड़े मार्च के होंगे, मार्च एंड मई के फाइनल एग्जाम, ठीक है। सो सारे एग्जाम जी सारे चैनल अपलोड होंगे, जिन्हें काफ़ी पेपर आएगा, ठीक है, खास करके मार्च के, मार्च के तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट पेपर ने जो साढ़े को पे है, तो कुछ होर भी आएंगे, ठीक है, जो थोड़े पेपर आएंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है बहुत सारे सब्जेक्टों का, ठीक है। सो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आएंगे, सारे जने चैनल सबसक्राइब करके रख लेना, आने वाले दिनों थोड़ी हैल्प हो सके, ठीक है। सो उस तो बाद है अपने कोल कि फसल में लगातार पानी की लोड़ होती है, कणक या फिर चावल, चावल होती है, जानकि झोने होंगी, झोने की जी फसल है उसमें लगातार पानी की लोड़ होती है। फिर CNG का पूरा नाम, CNG का पूरा नाम कंपोज नैचुरल गैस, जो कि थले लिखा हुआ है तुम देख सकते हो, ठीक है। सो ये कंपोज नैचुर कंप्रैसड नैचुरल गैस। उस तो बाद धरती की सतह दा लगभग 10% पानी नल के रहा है, 71 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी किताब आई थिंक 70 दे रखे से गलत है, मिस प्रिंटिंग है, 71 आएगा। उस बाद भोपाल त्रासदी 10 साल वापरे, ठीक है। सो ये 1994 या फिर 1984, 1984 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं ऑप्शन भी होने, शायद कई बार टीचर ऑप्शन जो मिस कर देंगे, तो तुम सीधा याद करो कि भोपाल त्रासदी जरा कि 1984 ही वापरी से। उस तो बाद 13वां प्रश्न है WWF का पूरा नाम, WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड, ठीक है। बनया गोबर डैश खाद एक किस्म है, रसायनिक या जैविक, जैविक आ जाएगा, जैविक खाद एक किस्म है। व्यक्ति नूं रोजाना, ठीक है, व्यक्ति नूं रोजाना किन्ने कैलोरी जिहड़ी कि लोड़ हुंदी है, 2500, ठीक है, 2500 राइट आंसर आ जाएगा।
फिर सही गलत दसने से फल जानवर विटामिन खनिजा के स्रोत ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आवाज़ का पद्धर डीबी मापया जाता है, मतलब कि डेसीबल च यह भी सही आएगा। उस बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस जोड़ा कि गैस है, यह भी सही आएगा। कॉफी पाउडर कॉफी के बीजों सुकाउण और फरमेंटेशन तो प्राप्त किया जाता है, यह भी सही आएगा। डीजल के मुकाबले CNG घट प्रदूषण पैदा करती है, यह भी सही आएगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे सही सी की है। ठीक है, पहला प्रश्न है वातावरण प्रबंधन क्यों जरूरी है, शहरीकरण की है, मिश्रित फसल की है, ठोस रहने खुद का की अर्थ है। ठीक है, स्रोत सीमा की है याद कर लो फिर, तो वातावरण सो हूँ मैं तुम्हें सारे ही नाल दी नाल करा देंगा, मैं दोबारा तो यह क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, सो क्वेश्चन तुम वेख लिया, हम आप आंसर करते हैं। आओ प्यारे बच्चों, हूँ आप जी कि थोड़े थोड़े दो नंबर वाले प्रश्न से हल करके दसते हैं। सब तो पहला प्रश्न जो देखिए स्रोत सीमा की है, तो स्रोत सीमा की है, कुदरती स्रोतों में भूमि पानी आना सी पाई लिखा हुआ है, पानी खनिज ते जैविक स्रोत शामिल हैं, आओ मनुखी स्रोतों भी विचारीए, जिस तो भाव है मनुखी सियाणप तजर्बा कला ते साहस। जेकर मनुखी सियाणप ते तजर्बे ने कुदरती तां सही कुदरत की जिहड़ी कि सही ते सियाणप योग वरतों की हुंदी तां अज सानूं इन्हां दी घाट दा सामना इन्नी छेती ना करना पैंदा। उदाहरण लई उन्नत तकनीक नाल असीं 1 टन कोले तों 7 गुणा वध बिजली पैदा कर सकते सी। ठीक है, सो इन्ना सारा याद करना इतों लैके आओ तो लैके सी तक, जिहड़ी भी तुहानूं 2-3 लाइनां याद होंदियां ने, क्योंकि 2 नंबर दा ज़्यादा वड्डा भी नहीं लिखना। वातावरण प्रबंधन क्यों जरूरी है, असीं सारे जानते हैं कि मुख्य समस्यावां खेतीबाड़ी कार्यविधियां उद्योगीकरण शहरीकरण जनसंख्या विच वाधा अते रहन सहन दे तरीकां दा नतीजा हन। सानूं इह वी जानकारी है कि वातावरण प्रबंधन विकास दे नुक्ते तों ही अते साडे जीवन दी पद्धर अते रहन सहन दे ढंग तरीकां अते जीवन दी गुणवत्ता विच वाधे वास्ते जरूरी है। इस करके इन समस्या तो बचने वास्ते असी कई प्रकार के विकास कामों नहीं रोक सकते, विधि नाल करदिया होया इन्हां सानूं इन्हां समस्या का हल लभना होवेगा। ठीक है, तो वातावरण प्रबंधन इसलिए जरूरी है, मेन पॉइंट तुसीं ले देना कि भी शहर जेकर आप वातावरण प्रबंध ना रखांगे तो आने वाले समय से अपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लाइक जिमें कि भूमि की जिमें कि आप रसायनिक खादों की वरतों कर रहे हैं तो भूमि की जी उपजाऊ शक्ति घट जाएगी। ठीक है, इस नाल भी वातावरण प्रबंधन सानू जरूरी वातावरण प्रबंधन सानू जरूरी रखना पड़ेगा। ठीक है, जेकर ना रखांगे होर भी बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, सो यही दसना क्यों जरूरी, मतलब कि नुकसान दसने वातावरण प्रबंधन क्यों जरूरी, आप वातावरण की संभाल क्यों करते हैं। ठीक है, सो ये दसना से। ठीक है, जरूरी नहीं तुम्हें आ लेना इन तो पता नहीं की कुछ लिखा, मैं तो नहीं समझ लग्या, तो उसी पॉइंटा में बना लेना। ठीक है, वातावरण प्रबंधन क्यों जरूरी है, जो वातावरण की आप संभाल ना करा तो की होएगा। ठीक है, खास करके बीमारियां फैलनगियां, होर भी बहुत कुछ लिख सकते हो। सो आ दोबारा आ गया, ठीक है, फिर उही क्वेश्चन तीसरा ही वातावरण प्रबंधन वाला, ये छोड़ो तुम हूँ। शहरीकरण की सी, ठीक है, शहरीकरण वह क्रिया है जिस दे राही ज़्यादा संख्या में लोग पूर्ण रूप में शहरों में वस जाते हैं। ठीक है, सो शहरीकरण 2 नंबर का सीन नहीं लिखना। ठीक है, जब इस तरह लिख सकते हो एक पेंडू जनसंख्या का बहुत वड्डी एक पेंडू जनसंख्या का पक्के तौर पर शहरों के वस जाने शहरीकरण कहें हैं। मिश्रित फसल की है, मिश्रित फसल 2 या 2 तो वध फसल एको खेत में इकट्ठिया उगाने की प्रक्रिया है। मिश्रित फसल का उद्देश है घट वर्खा वर्गिया हालातों में भी एक फसल नाकामयाब रहने के कारण धन की हानि तो खतरे तो बचा करती है। ठीक है, जिमें कि भारत में उगाई जाने वाली कुछ मिश्रित फसल इस तरह ने, पहली है अपने को मूंगफली, सूरजमुखी, जौ, सफेद चने, कणक सफेद, सरगम, अरहार, सोयाबीन, अरहार, कणक, सरों। ठीक है, सो सारे जन वीडियो तो बने रहना, वीडियो स्किप ना करना क्योंकि मैं तुम्हें दूजा पेपर भी कराना, वो भी वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठोस रहने खुद का की अर्थ है, व्यर्थ तो भाव है वो सब वस्तुआं, ठीक है, ठोस तरल जगैसी हो सकती हैं जो सुट दी जाएँ जिन्हों मालक नूं कोई हुण जरूरत नहीं है, इस यह ठोस तरल जगैस हो सकती हैं। व्यर्थ पदार्थों की मात्रा में लगातार वाधा होना एक मुख्य समस्या बन गई है। म्यूनसीपल ठोस व्यर्थ का गैर विज्ञानिक ढंग नाल निपटारा ते प्रबंधन काफ़ी हद तक वातावरण ते सेहत समस्या बन गया है। वातावरण के प्रदूषण को रोकने ते सेहत समस्या को हल करने लई म्यूनसीपल ठोस रथ पदार्थों का उचित प्रबंधन ते निपटारा अति लोड़ींदा है। ठीक है, सो इहदे विच कुछ भी लैना तुहानूं याद आउणियां ने तां लिख लैना, अगला आपां पेपर वेखांगे इक वार। यस प्यारे बच्चों, आप शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन से, ठीक है, 20 शब्दों में जेने चीज़ें 20-3 शब्दों में 2 नंबर वाले आप स्रोत सीमा वाला कर लिया, वातावरण प्रबंधन क्यों जरूरी यह भी कर लिया, शहरीकरण वाला कर लिया, मिश्रित फसल की यह भी कर लिया, ठोस रहन खून का अर्थ की है भी तुम्हें दसदा है। हुण अपने को है लोंग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि है अपने को 3 तो 3 ही अपन ज़्यादा दे रखी है। सो मैं तुम्हें 3 के मतलब कि 6 क्वेश्चन बन गए उस हफ्ते, सो 6 ही आप करा। सब तो पहला जैविक विभिन्नता के नुकसान के कारण दसो।
ठीक है। वातावरण अते विकास विचारां विचकार की संबंध है, चिपको अंदोलन बारे संखेप जानकारी देनी है, टिकाऊ विकास लिए कुछ ढुकवीं तकनीकों का जिक्र करना है, मिट्टी किवें प्रदूषण हो रही है, मिट्टी को किवें सुरक्षित किया जा सकता है, धरती के स्रोतों से वधी आबादी का की प्रभाव है समझाओ, ठीक है। सो सारे आप करांगे तो सारे जने लाइक कर देना वीडियो। जी हाँ प्यारे बच्चों, सब तो पहला प्रश्न से अपना जो लोंग आंसर टाइप क्वेश्चन जो किसी जीव अनुरूपता या फिर जैविक विपन्नता के विनाश के की कारण हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट तुम्हें लिखना है खेतीबाड़ी गतिविधि, ठीक है, जिस विच लिखोगे मनुखी वसो के वसेबे लिए उपनगर की स्थापना, उद्योगों के होर कई उप आधारक संरचनावां जैविक विपन्नतावां दे नष्ट होण कारण दे मुख कारण, निवास स्थानों की बर्बादी का मुख कारण, जनसंख्या विच होने वाला विस्फोट है, ठीक है। सो इन्ना ही लिख लेना, इस बाद ज़्यादा लिखने की लोड़ नहीं। विखंडन कर हुण तुसीं तुहानूं पता तुसीं वड्डी क्लास विच सारे जने, सो सारे जने इन्हां छोटा पॉइंट कर छोटे छोटे कर लेना, ज़्यादा वड्डे भी ना लिखना, दो तीन तीन लाइनां विच लिख लेना बहुत ही। दूजा पॉइंट है अपने कोल विखंडन खंडित करना, ठीक है, बल्कि फ्रैगमेंटेशन जो कि तुसीं बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते होगे फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, वड्डे आकार वाले निवास स्थानों के छोटे छोटे हिस्सों में वंडन को खंडित होना जब पता रखते हैं। इस खंडित होने के मुख्य कारण नहरों की पुटाई, सड़कों की उसारी, उद्योगों की स्थापना, रेलवे लाइन विछाउणी, डैम आदि का निर्माण करना। सो मेन पॉइंट तुसीं पढ़ के होए किस नूं फोकस किया गया है, जंगलों, खास करके जंगल कट दिए जाते हैं जो नहरां बनदियां ने, जो सड़कों की उसारी होंदी है, जो उद्योग स्थापित होंदे ने, ठीक है, जो रेलवे लाइन विछाइया जांदियां ने ते जो डैम बन, ठीक है, इन्ना लिख लेना बहुत है, ठीक है, विखंडित करन फ्रैगमेंटेशन। तीसरा पॉइंट लिख लेना लोड नालो वध वरतो, ठीक है, लोड नालो वध वरतो, ओवर एक्सपोलेशन, ठीक है, एक्सपोलेशन इस विच मनुख अपनिया भोजन अते निवास संबंधी लोड़ां दे वास्ते हमेशा तो ही कुदरत उत्ते निर्भर रहा है, पर बहुत ज़्यादा वधी हुई आबादी कारण मनुख दीआं जिहड़ी जरूरतां लालच विच बदल गई हैं, जरूरतों विच आई इस तब्दीली कारण मनुख नूं कुदरती साधनां दा बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहा है, खास करके डोडा, ठीक है, तस्मैनिया का भेड़िया, ठीक है, वर्गी जातियां ज़्यादा शिकार की वजह करके अलोप हो चुकिया ने। फिर प्रदूषण इस पॉइंट तो भी पढ़ लेना, ठीक है, प्रदूषण के पॉइंट सारा, उस तो बाद विदेशी जातियां की आमद का पढ़ लेना, ठीक है, उस तो बाद जरा कि अपने को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जोड़े कि व्यापार वगैरह आ गया, ठीक है, व्यापार जो कि नैशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जंगली जंतुओं तो प्राप्त होने वाले पदार्थ जिमें कि सुगंधी वाले इतर, शिंगार का समान, अजायब घर, ठीक है, अजायब घर में रखी जाने वाली वस्तुआं, सर हड्डियाँ, हाथी दंद के सिंह का व्यापार, कस्तूरी हिरन, एक सिंह वाला गैंडा, ठीक है, इन्ह के जोड़े कि व्यापार हो रहा बहुत ज़्यादा इन्हों ऑर्गनस का, ठीक है, सो इन्ह के होर भी पार्ट्स का जोड़ा कि व्यापार हो रहा है। सो इस पॉइंट को पढ़ लेना, उस बाद जा विच दे रखे सी वातावरण के विकास विच की संबंध है, सो वातावरण के विकास विच संबंध असी सारे ही विकास चाहते हाँ, विकास के लिए सानू कुदरत के साधनों की वरतों करनी पैंदी है, ठीक है, जदों तक हो गया करनी पैंदी है, इस दी वरतों के फलस्वरूप एक या एक तो वध ज़्यादा फोकट पदार्थ पैदा होते हैं जिहड़े मूल प्रकृति विच जा मिलते हैं, इस तरह वातावरण के विकास सारिया गतिविधियां दे स्रोत अते ही दोवें ही वजों कार्य करते हैं, लाइक उदाहरण वजों पिंड विचले छप्पड़, मच्छियां पालन अते वख-वख कम्मां विच कम्मां लई स्रोत वजो कार्ज करदियां होईयां पिंड दी आर्थिकता विच वड्डी भूमिका निभाउंदियां हन, खेतां तों रुड़ के आए पाणी नाल खेतां विच आउण वाले वाधू फर्टिलाइजर अते कीटनाशक दवाईआं दे ही वजो वी कार्ज करदे हन, ठीक है, उस बाद है भूमि दे विकास दे संदर्भ, ठीक है, जिस नूं पढ़ लैणा तुसीं, भूमि दे विकास दे संदर्भ विच वातावरण अते विकास विचले रिश्तियां बारे कोख करना जरूरी है, क्योंकि वड्डे आकार वाले प्रोजैक्ट दे कारण वातावरण अते विकास विच झगड़े हो जांदे हन, उदाहरण दे वजो जो कोई भी व्यक्ति प्रदूषण पैदा करन वाले उद्योगां नूं बगैर इस गल दा ध्यान दित्तिआं कि अजिहा करन दे कामयाब उपर की असर होवेगा बंद करन दी सलाह दिंदे हन, इसे ही तरह इमारती लकड़ी प्राप्त करन दे लई वणां नूं ठेके ते दे के दित्ता जांदा है ते तां जो इस लकड़ी दा आयात जां निर्यात कीता जा सके, पर लकड़ी दी कटाई दे फलस्वरूप वणां अते उहनां दी जिहड़ी कि जैविक अनुपता दी हानि हुंदी है। उस बाद चिपको अंदोलन की है, चिपको अंदोलन जिहड़ा मैं सीधा ही तुहानूं दस्सदा, चिपको अंदोलन सन 1974 दे विच, ठीक है, पिंड रुखां दी कटाई दे करके जिहड़ा कि अप्लाई कीता गया सी, ठीक है, सो बाकी डिटेल विच सारा पढ़ लैणा, ठीक है, किस तरीके नाल उहनां ने लोकां ने रुखां जफ्फियां पा के खड़ो गए कि ठीक है असीं नहीं तुहानूं रुख कट्टण देवांगे, ठीक है, सो उह लोक रुखां नूं कट्टना चाहुंदे सी, इह संघर्ष होया सी, ठीक है, आई थिंक कर्नाटक दी साइड इधर, ठीक है, सो इसको जो तुम पूरा डिटेल में पढ़ लेना। उस तो बाद है अपने को टिकाऊ विकास के मूल लक्षण, ठीक है, टिकाऊ विकास या फिर कायम रहना एको गल है, ठीक है, एक गल मैं तुम्हें क्लीयर कर देना चाहना, कायम रहना योग या फिर टिकाऊ विकास ये दोवें एको ही मीनिंग ने इन्हें, ठीक है, सो ये नहीं कहना कि कायम रहने योग की होंगे, कायम रहने योग होंगे टिकाऊ विकास, इसको टिकाऊ विकास ही पढ़ना है। उस तो बाद
इस नूं भी राइट कर सारा जिहड़ा कि याद कर लेना ठीक है। जेकर यह बच्चा तुसीं कोई करना चाहुंदे हो ठीक है, फस्ट पॉइंट, सैकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। चलन योग विकास नूं प्राप्त करने लई भागीदार पहली शर्त है ठीक है। उस तों बाद आलिशान कायम रहने योग विकास इशारा करता है, टिकाऊ विकास इशारा करता है। इतने लिख लेना टिकाऊ, जिते जिसे कायम रहने योग लिखा है उत्थे तुसीं टिकाऊ लिख लेना, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक में कायम रहने योग कहा जाता है पहला इसनों टिकाऊ विकास में, हुण टिकाऊ विकास कहा जाता है। सो नैक्सट आप देखांगे प्यारे बच्चों जो कि है अपना सत्त पॉइंट हो गया ठीक है। सत्त पॉइंट तो बाद तुसीं देख लेना अगला प्रश्न कहड़ा है, अठ पॉइंट अपना अठ पॉइंट कोई भी पांच लिख लेना तुसीं। उस तो अगला असीं अपना मिट्टी नूं प्रदूषित, मिट्टी किवें प्रदूषण हुंदी है ये अपना थर्ड है ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ठीक है। मिट्टी किवें प्रदूषण हुंदी है, मिट्टी नूं सुरक्षित किया जा सकता ठीक है। मिट्टी प्रदूषण जनसंख्या धमाके के कारण भोजन संबंधी जरूरतों का वाधा होया है, इस प्रकार धरती उपले वड्डे खेतर में खेतीबाड़ी की जाने लग पई है, उत्पादन वधाने लई बनावटी खादों की वरतों होने लग पई है, फसलों को बचाने के लिए कीटनाशकों की वरतों होने लग पई है, जिस कारण भूमि प्रदूषण हुंदा है। भूमि पौद्यां लई महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे जिहड़े कि पौद्यां दी जिहड़ा भूमि विच उगदियां हन, तां जो भूमि तो पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। प्रदूषित भूमि में रहने वाले जंतुओं का जीवन बुरी तरह जिहड़ा कि प्रभावित हुंदा है। भूमि तियाबी वर्खा बनावटी खादा ते कीटनाशक होंद हद तो वध वरतों उद्योगिक रहत खूंद ते कैडमियम जिंक निकल वर्गिया भारी धातों की मिलावट कारण प्रदूषित हो जाती है ठीक है। सो इसनों तुसीं रीड करना चंगे तरीके नाल, उस बाद इहनूं काबू किवें रोकथाम नूं किवें काबू किया जा सकता ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ लेना ठीक है ठीक है। खास करके सानू लोहे वर्गे ठोस व्यर्थ पदार्थों को भूमि के नहीं दबाना चाहिए, या फिर कापर वर्गे। फिर सरकार को पखाने का इंतजाम करना चाहिए ठीक है, तो लोगों को खेतों के पखाने नहीं जाना चाहिए ठीक है, वॉशरूम वगैरह ठीक है। तो उस तीसरा पॉइंट है कीटनाशकों की बजाय कीटों को काबू करने वाली जैविक विधि अपनानी चाहिए हैं, मतलब कि रूड़ी खादों की वरतों करनी चाहिए है ठीक है। गोबरस वगैरह जो अप्लाई करने चाहिए ने खेतों के, सीवरेज तो बायोगैस बनानी चाहिए है ठीक है। उस तो बाद है अपने को प्यारे बच्चों जो कि है ठोस व्यर्थ पदार्थों का पूर्ण चक्कर करके नवे पदार्थ का निर्माण करना चाहिए है। छेवें पॉइंट लिखना चाहिए है फोर आर सिद्धांत की पालना करनी चाहिए है ठीक है, सॉरी थ्री आर सिद्धांत की, फोर नहीं थ्री। जहाँ सी वधदी जनसंख्या का भूमि स्रोत उत्ते पैण वाले दबा ठीक है, सो यही वाला सी। सो वधदी जनसंख्या का पहला यही दबाव पवेगा कि भोजन के घाट आएगी, सो भोजन की बहुत लोड़ पवेगी। इस पॉइंट में पूरा रीड कर लेना उस ठीक है। उस तो बाद पानी की भी बहुत एक पानी बहुत वड्डा स्रोत है, सो इस दे भी बहुत ही ज़्यादा जरूरत पवेगी। पीने योग पानी मात्र केवल 5% है, सो यह पहले की गल है, हूँ तो 1% है ठीक है। इस 5% की जगह 1 हो चुकी है, तो पानी की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पवेगी जेकर भूमि के उपर जनसंख्या का वाधा होगा। उस तो बाद अपन आवास, आवास का मतलब कि रहना ठीक है, रहने के लिए सानू जगह भी चाहिए है ठीक है। सो उसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत पवेगी। इस पॉइंट में भी पढ़ लेना, तो दो तीन लाइन के डिफाइन कर देना। बालन, बालन मतलब कि फ्यूल, सो जो आप जनसंख्या वधेगी तो उसनू बालन की भी लोड़ पवेगी ठीक है। बालन होएगा तद ही वह भोजन पका सकेगा, सो यह भी एक मेन पॉइंट है। उस पथराट बालन लाइक जिमें कोला, पेट्रोलियम और कुदरती गैसा का पथराट ईंधन हैं जिन्हों की वरतों आम है। यह बालन धरती को पुट के प्राप्त किए जाते हैं हाँ जी। सो कोला पेट्रोलियम की भी बहुत जरूरत पवेगी जेकर जनसंख्या वधेगी, लाइक जेकर जनसंख्या वधेगी तो मशीनरी वधेगी, मशीनरी वधेगी तो पेट्रोल की लोड पवेगी, तो पेट्रोल वधेगा तो पथराट बालने की जरूरत पवेगी। सो इस पॉइंट में सोनी सारा रीड कर लेना। उस तो बाद अपना यह पेपर खत्म हो जाएगा, सो अपना नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करने तो पहले जिहड़े बच्चे हाले तक चैनल पर बने सबसक्राइब जरूर नप दो एक बार ठीक है। सो नाल घंटी के बटन भी प्रेस कर दो ता जो सानू पता लग सके कि कौन कौन सबसक्राइब किया है, तो कौन कौन जो कि वीडियो वेख रहे हैं ठीक है। उस तो बाद आप देखांगे जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सी अपना जो कि सैकंड पेपर ठीक है। सो इस पेपर में भी आप पूरा हल कर लेंगे ठीक है। सो देखते हैं आंसर की है, चलो शुरू कर दें। तो सब तो पहले अपन दे रखे रहने पहला प्रश्न है अपने को ठीक है, टाइम टू हॉर्स ठीक है। ये भी 45 नंबर का एक नंबर वाले पहले प्रश्न अपन दे रखे है जो कि अपन बहुविकल्पिक प्रश्न है, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ठीक है। फस्ट क्वेश्चन है हेठा लिखे बच्चों कि पौधा गुणकारी क्रीमा तैयार करने लिए वरत्या जाता है। सो क्रीमा वर्ड आ गया, क्रीमा मतलब कि आप कि एलोवेरा ही वरतते हैं क्रीमा के लिए। सो ईडी ऑप्शन राइट आएगी, कुआर या फिर गंदल या फिर एलोवेरा। कुनीन किस पौधे तो प्राप्त होती है, कुनीन पीले सिन कौन के छाल तो प्राप्त होती है, ऑप्शन राइट आएगा। हेठा लिखिया लिखे पशु पंछियों में कि टोआ टोआई लिए वरत्या जाता, टोआ टोआई झोटा वरतीएगा आप ठीक है। सो झोटे जोड़ा कि राइट आंसर आएगा। उस बाद विकास तो तुम की समझे, विकास तो आप प्रगति या फिर अगे वधना ठीक है, प्रगति ज अगे वधना ओड ऑप्शन राइट आएगा। संविधान की धारा 51 ए दे विच की है, 51 ए विच ए है भी वातावरण को बचाना राज सरकार की जिम्मेवारी होगी। आई थिंक ए आएगा ओड़ा या फिर आएगा
ਜਾਂ ਫਿਰ ਊੜਾ ਜਾਂ ਐੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕਵੰਜਾ ਅਖਰੇ 48 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 51 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਊੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੌਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁਪਤ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਕੋਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਲਾਈਨ। ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਕਿਰਲੀ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਦਿ। ਆਗੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੀਅਮ, ਸੈਟੀਅਮ, ਕੈਰੀਕਾ, ਪਾਪੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਪੀਡੀਅਮ ਸੈਟੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੀਵਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਚੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੈਂਡਾ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨੇਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਨ 1991 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋਮਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋਮਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੀਸਰਾ ਪੇਪਰ ਈਵੀਐਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 25 ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਦੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 5-5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ PDF ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਇਹ 2nd ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੋਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਡੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973। �ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GDP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ GDP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਜੰਜਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਜੰਜਲਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਪਜਾਊ ਆਏਗਾ। ਬਰਸੀਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ, ਸੋ ਫਸਟ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
जाति है साढ़े लिए बहुत ही लाभवंद है, ये भी सही आ जाएगा। ठीक है, सो थर्ड भी सही आ गया। उसके बाद अपना अगला प्रश्न जो कि गिद्ध और लकड़बड़ा शेर और बाघ द्वारा मारे गए जो प्राणी ने छटे हुए मांस को खाते हैं, ये भी सही आएगा। धारा 48 के अनुसार वातावरण को बचाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, ये भी जी कि आई थिंक ये गलत आएगा, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, सो ये गलत आएगा आई थिंक। ठीक है, उस तो बाद है अपने को दो नंबर वाले प्रश्न, विकास वातावरण किमें प्रभावित करता है संविधान की धारा 48 ए की है। ईको मार्क तो की पावे, सहनयोग समर्थन तो तुम की समझते हो, प्रोटो अपसवर्दी तो की पावे। ये पंजवा प्रश्न जो प्रोटो अपसवर्दी ये अपन नहीं किया, तो उपरले चार किए ने, चार तुम्हें करवा दें, चलो करते हैं फिर इन्हें आंसर। जी हाँ प्यारे बच्चों, सो कि अपना पहला प्रश्न सी विकास वातावरण किमें प्रभावित करता है, तो हाँ विकास वातावरण प्रभावित करता है। विकास के लिए असी कुदरती साधना की वरतों करते हाँ, असी कुदरती साधना का शोषण करते हाँ, असी वातावरण में प्रदूषण फैलाते हाँ। विकास के कारण कुदरती साधना का पतन होंगे है, विकास के कारण पैदा होने वाले फोक्ट पदार्थ कुदरत मुड़ वापस हो जाते हैं। इस ही कारण करके वातावरण सारिया विकास गतिविधियों स्रोत कते ग्रही वजो मनिया गया है। ठीक है, सो नैक्सट दूसरा प्रश्न संविधान की धारा 48 ए की है। धारा 48 ए दे भाग चौथे विच दर्ज राज पालसी लई निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, विच ही दर्ज है कि वातावरण की सुरक्षा अते सुधार लई अते जंगली जीवन दे वणां दी देखभाल विच सुधार दे वास्ते देश दे वणां जंगली जीवन अते वातावरण सुरक्षा दी सांभ संभाल अते उन्नति दी जिम्मेवारी राज्यां दी है, राज्यां दी। ठीक है, मतलब कि केंद्र सरकार दी आई थिंक, केंद्र सरकार फिर राज सरकार केंद्र सरकार ही होंगी आई थिंक। ठीक है, चेक कर लेना वो सही गलत आना, सही आना या गलत आना, मैं लग रहा है वो सही आएगा। ठीक है, जेकर राज सरकार दी है तो फिर केंद्र सरकार ही राज सरकार होंगी। ठीक है, उस बाद इको मार्क तो की भाव है, भारत सरकार ने लोगों के अंदर वातावरण स्नेहा उत्पादन संबंधी जागरूकता पैदा करने मतलब स्कीम यह स्कीम जी 1991 लागू की, जो कि आप पहला पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो लास्ट में यह भी लिख देना कि भारत का इको मार्क जरा कि मिट्टी का घड़ा है, लास्ट लाइन में यह भी लिख देना। ठीक है, सो थोड़ा क्वेश्चन वड्डा होएगा, आंसर वड्डा होएगा। सहनयोग समर्था तो तुम की समझते हो, ठीक है, सहनयोग समर्था परिस्थितिक प्रणाली में मौजूद जनसंख्या का आकार जिसमें लंबे समय तक उस प्रणाली के मौजूद उपलब्ध साधना की सेवाओं द्वारा कायम रखे जाने सहयोग या सहयोग समर्थ या फिर चलन योग समर्थ कहते हैं। ठीक है, फिर अपना पार्ट सी सी। ठीक है, मैं प्रश्न तुम्हें दिखाना या दो मिनट तुम वेट करो, चलो मैं तुम्हें आंसर करा लवा वे। ठीक है, पार्ट सी वाला भी तुम्हें करा विखा देंगे प्रश्न पेपर में कड़े कड़े आए हुए हैं। ठीक है, विकास का वातावरण विकास जा अज का मॉडल वातावरण तो वाह कर देगा विस्तार में लिखना है। सो य मैं रीड नहीं करा क्योंकि अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो स्क्रीनशॉट लो सारे जने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लैन तो बाद इसको आपकी गैलरी में सेव कर लो, तो उस बाद इस रीड करो। ठीक है, सो नैक्सट अपना जो कि है इंदे अगे वाला पार्ट। ठीक है, सो ये सारे तुम कई पार्ट याद करने हैं। ठीक है, पूरा पैरा जहा पढ़ लेना। जा विच आया हुआ सी जंतुओं की आर्थिक समर्था का विस्थानपूर्वक वर्णन करो। ठीक है, जंतुओं की आर्थिक व्यवस्था यानी कि जंतुओं के भोजन प्राप्ति की समर्था मधुमक्खियों तो शायद। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट पढ़ लेना, चौथा पॉइंट, पंजवा पॉइंट भी पढ़ लेना। ठीक है, इस चीज़ की आर्थिक समर्था। ठीक है, उस तो बाद पांच पॉइंट तुम्हें हो गए, पांच पॉइंट होने बाद जरा कि अगे पंजे का अद्धा भाग इतने तो छेवं सतवा अठवा पॉइंट भी सोने तरीके पढ़ लेना सारे बच्चों ने। ठीक है, सो उस तो अगे है अपना प्यारे बच्चों वातावरण सूचकों के तीन लाभ लिखने से, सो आप चार लाभ लिखे है। ठीक है, असल में तो पांच लिखने से, एक लाभ होर लाभ लेना वातावरण सूचकों का। ठीक है, सो ये जड़े कि अपने को चार पांच नंबर के आया हुआ। ठीक है, सो सीधा उन्होंने प्रश्न में लिखा हुआ सी वातावरण सूचकों के लाभ लिखो, यही नहीं लिखा हुआ सी तीन लाभ लिखो। ठीक है, सो इतने तो यह सू जितों असी लाभ के लिया तो उत्थे जिम्मे लिखा हुआ सी। खतरे की कंगार ते खड़ियां जातियां दी वख-वख श्रेणियां केड़ियां केड़ियां हन, सो पहली श्रेणी है IUCN। ठीक है, सो इसका जो रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में भी रखा हुआ है। ठीक है, सो उस तो बाद है अगले पास आप वेखते खतरे की कंगार ते पहुंची जातियां। ठीक है, असुरक्षित जातियां दूसरी वांडे की, तीसरी वांडे की दुर्लभ जातियां। ठीक है, दुर्लभ जातियां। उस तो बाद है अपना तीसरा प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, कुदरत में मिलने वाले सीमित स्रोतों के नाम लिखने हैं, तो पानी की सामभ संभाल किमें की जा सकती, कुदरत में मिलने वाले स्रोत जिमें कि मिट्टी पानी खनिज पदार्थ ईंधन। ठीक है, सो पानी की सामभ संभाल के तरीके जिमें कि पानी ना केवल मनुखी जीवन लिए जरूरी है, सगो ये पौद्या पानी प्राणियों आना सी पानिया लिखा हुआ है, प्राणियों के पौधे प्राणी मतलब कि जीव जंतु प्राणियों के पौद्या भी जरूरी है, जीवन की उत्पत्ति पानी तो ही हुई है, पानी कारण ही कायम है, धरती का 70 to 8% जो भाग पानी मिलया होया है, इस समुद्र का 98% हिस्सा है, जोड़ा पानी मनुखा जाति वक् कामों प्रबंध है उसकी मात्रा केवल 1% की है, 2% पानी हिम टोपिया हिंद नदियों में ही कैद है, जिथे बरहमी नाल पानी की वरतों की जा रही है इसने ये डर पैदा कर दिता है कि पानी बहुत ही छेती दुर्लभ हो जाएगा, भविख में विश्व युद्ध का मुख्य कारण पानी ही होगा।
पानी की सामभ संभाल ली, ठीक है, पानी की सामभ संभाल बहुत जरूरी है। इस संबंधी कुछ सुझाव दिए गए अपन, सो ये 7 to 8 पॉइंट तुम पढ़ लेना, ठीक है। 8 सामभ संभाल ली। अगे है अपने खेत्र के 5 दवाइयां देने वाले पौधे लभो, ठीक है, तो इन्हों किस बीमारी का उपचार किया जा सकता है, ठीक है। उस तो बाद है ये कि आप पहला इस साइड के पौधे के नाम लिखा। सो पहला है अपने को तुलसी, ठीक है, तुलसी के जो कि हिस्सा वरत्या जाता है पत्ता, सो इस किस लिए वरत्या जाता है, बुखार गले की खराबी लिए। तुम भी इस तरह बॉक्स बना के उपर उपर डिफाइन कर देना बीमारी का नाम, कि बीमारी लिए वरत्या जाता है, कि हिस्सा वरत्या जाता है, जो पौधे का नाम की है। सो पहला पॉइंट तुम वेच चुके हो। दूसरा पॉइंट अपने को है ब्रह्मी बूटी, ठीक है, ब्रह्मी बूटी की जी वरतो है वो दिमागी शरीर कमजोरी के लिए वरती जाती है, ठीक है। अवजैन, अवजैन का जोड़ा पौधा जी कि अजवैन आप चाह पत्ती भी वरतते हैं, ठीक है, अवजैन। सो इस जी बीज की वरतों की जाती है, ठीक है, तो यह पेट के दर्द जी मत लाने लिए की जाती है। फिर नियम के जोड़े पत्ते फलों बीजों की वरतों की जाती है, ये पत्तियां का काढ़ा पीण या पत्ते चबण न फोड़े फिनसियां ठीक होंदिया, ठीक है, तो फल खाण नाल खून साफ हो जाता है, बीजा की छाल मगरों तेल प्राप्त होता है, जिस की वरतों कुष्ठ रोग लाई की जाती है। सौंफ बीज, ठीक है, पेटा की बीमारियों लिए वरते जाते हैं। उस तो बाद पुदीना, ठीक है, पुदीना के पत्ते वरते जाते हैं पेट दर्द लिए, पेशाब की बीमारियों लिए। फोक्स ग्लो बीज के पत्ते, ठीक है, दिल दीमारियों के लिए। कुआर गंधक, ठीक है, गद्देगार गद्देदार पत्ते, ठीक है, पेट के लिए, चेहरे के निखार के लिए। सो इस तरह 2 पेपर हो गया, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है ये GDP की है, सो थोड़ा क्वेश्चन शायद है सी GDP का पूरा नाम है ना, ग्रोस जनरल नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम है ग्रोस जनरल नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये जरा कि मैं इस साइड से एडजस्ट किया इस PDF एक क्वेश्चन थोड़े 3rd पेपर में, ठीक है। सो GDP वाला थोड़ा 3rd पेपर में आया हुआ है, पूरा डिफाइन किया, जो बच्चे याद करना चाहते हूँ ही कर लो, ठीक है। सो यहाँ क्वेश्चन आप फिर डिस्कस करा नैक्सट पेपर में 3rd आया हुआ है, ठीक है। सो सारे जने लाइक कर देना चैनल, तो नवे चैनल सबसक्राइब कर लेना, ठीक है, घंटी के बटन प्रेस कर लेना, जो तुम 3rd पेपर में हो। आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो तक, बाय बाय, टेक केयर।